भोपाल से लखनऊ के यात्रियों के लिए जल्द ही एक नए वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। ये ट्रेन अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी, जिसमें की चेयर कार सेटिंग के 8 कोचेस होंगे और कुल 564 सीट्स होंगी। हालांकि ट्रेन का आधिकारिक शेड्यूल अभी तक जारी हो नहीं पाया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दिसंबर 2024 तक भोपाल से पटना और मुंबई के लिए दो नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी और इन ट्रेन पे 16 कोचेस होंगे, जिसमें की 11 AC 3 टायर, 4 AC 2 टायर्स और 1 AC फर्स्ट कोच शामिल होगा। राजधानी के बराबर होगा इसका किराया। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे, जिसे राज्य का सबसे लंबा और बड़ा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, इस साल दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कंपनी का मकसद है इसे 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले से पहले जनता के लिए खोल दिया जाए। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए यात्रा को आसान बनाएगा, जिससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी महज 8 घंटे में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस मार्ग पर मुख्य टोल प्लाजा मेरठ और प्रयागराज में होंगे, जबकि 12 अन्य स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। कश्मीरी गेट ISPT पर अब अंतर्राज्यीय बसेस का ठहराव केवल 15 से 30 मिनट तक ही रहने वाला है। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने निर्देश जारी किए कि 15 दिन के भीतर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, ताकि यात्रियों को लंबे इंतजार से राहत मिल पाए। शनिवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ ISPT का निरीक्षण भी किया और पाया कि फिलहाल बसेस को 45 से 60 मिनट का समय लगता है, जिसमें जाम भी लगता है। और LG के निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में बसेस को 30 मिनट में रवाना कर दिया जाए, जिससे कि बसेस की आवाजाही 50% तक बढ़ाई जा सकेगी। यूपी का परिवहन निगम जल्द ही लंबी दूरी के रूटों पर डबल डेकर ई बसों का संचालन करने जा रहा है। महाकुंभ से पहले इस सेवा को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर इस फैसले को अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी तक प्राइवेट कंपनियों की डीजल से चलने वाली डबल डेकर बसें संचालित होती थी, लेकिन यह पहली बार होगा जब परिवहन निगम की ओर से डबल डेकर ई बसें चलाई जाएंगी। अंतर्राज्यीय बस अड्डे से भी डबल डेकर बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है। महाकुंभ तक CNG और ई बसों का बेड़ा भी इसमें शामिल किया जाएगा। Z News.